हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित टेक्निकल ब्लॉग्स में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे, जो कि था फूड ट्रे सीलिंग मशीन कैसे ऑपरेट करें, उसका टेम्परेचर कैसे सेट करें। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसी मशीन को कैसे रिपेयर करें, हाउ टू सीलिंग मशीन रिपेयर, उसमें क्या परेशानी आती है और उसको कैसे ठीक करते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, ये रही वो मशीन जो आज मेरे पास आई है बनने के लिए। कस्टमर का कहना है इसको चालू करके रखा लेकिन ये गर्म नहीं हो रही है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए अंदर से इसका लुक। ये रही इसकी एक्स्ट्रा ट्रे 5 खन वाली। इसको एक बार अपन चालू करके भी देखते हैं पर्सनली क्या दिक्कत है। ये अपन इसको बटन चालू करते हैं, इसका ये कंट्रोलर मीटर चालू हो गया है। कस्टमर बोला हीट नहीं पकड़ रही है बोल रहा था, चेक करते हैं अपन ही पर्सनली हाथ लगा के। अभी तक तो कोई हीटिंग नहीं लग रही मुझे, यहाँ भी कोई हीटिंग शो नहीं हो रही है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब इसकी प्लेट में दिक्कत है जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें। ये देखिए अपने हाथों से भी छू रहा हूँ, कोई गर्म नहीं है। ये तो खोलते हैं इसे, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसका ढक्कन खोल लेते हैं, मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाती है। ये 5 mm की एलेंकी लगेगी इसमें, जिससे इसके ये बोल्ट्स खोल लेना है। यही प्लेट को नीचे पकड़ के रखते हैं और इसमें स्प्रिंग लगा होता है जो शॉक अप्स का काम करते हैं। जो प्रेस करते हैं अपन तो वो दबता है, वो स्प्रिंग की वजह से होता है। स्प्रिंग नीचे की साइड होते हैं और एक पाइप के सहारे वो लगे रहते हैं, तो उन्हें खोल लेना है, जिससे क्या होगा नीचे की प्लेट जो है वो निकल आएगी जिस पे हीटिंग एलिमेंट कसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये प्लेट निकल गई है। अब इसमें एक 4 mm की एलिंकी लगेगी, जिससे कि ये प्लेट के एलिंकी वोल्ट्स खुलेंगे। ये थर्मोस्टेट को अपन अलग कर लेते हैं पहले, फिर बाकी वोल्ट्स को खोलेंगे, क्योंकि इसके बीचों बीच ये एलिमेंट लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, एक सीरीज बोर्ड लेना है जिससे अपन पहले एलिमेंट चेक करेंगे। ये देखिए बल्ब जल रहा है, ये एलिमेंट पे लगाते हैं अपन। बल्ब नहीं जल रहा है मतलब एलिमेंट खराब है। ये देखिए फिर से प्लेट को खोलेंगे केयरफुली आराम से, ताकि वो जो पत्ता है वो टूटे ना। ऐसे प्लेट को हटा लेना है। ये देखिए प्लेट अपने हाथ में आ गई है, इसको दोनों साइड से देखना है, वैसे ही दिख रही है, इसमें कोई टूटी फूटी नहीं दिख रही है। ये एक चाकू के थ्रू तो इसकी जो रिपिट्स हैं वो धीरे धीरे इसको काट लेना है। बड़े प्यार से काटिएगा, आपके हाथ में ना लगे। ये देखिए दोस्तों, अपना पत्ता खुल गया है, इसे आराम से खोल लेना है। अब ये देखिए इसको उठा के देखेंगे, इसमें कॉइल लपटी हुई होती हैं, अधिकतर कॉइल टूट जाती है। ये देखिए कोने पे, ये ऊपर से ही कॉइल जल गई है और ये टूट गई है, इसका जो तार है ये टूट गया है। तो इसको ही अपन रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच के वहीं पर वापस से उसको कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी और ये एलिमेंट वापस से काम करने लगेगा, नहीं तो नया एलिमेंट डालना पड़ता है। ये एक प्रकार की जुगाड़ी है कि अपन पुराने एलिमेंट को रिपेयर करके वापस से मशीन को उपयोग लायक बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको तार को
फिर से दिखा दूँ एक बार और आपको मैं, ये देखिएगा मैंने इस तार को वापस से अब खींच के थोड़ा सा जोड़ दिया है उसमें, और अच्छे से उसको प्रेस कर देना है ताकि वो हिले ना दोबारा से, और वापस रख के इसको हम फिर से पैक करेंगे। पैक करने से पहले इसके नीचे दो ये सेरेमिक पेपर के टुकड़े डालना है जहाँ पे इसके वायर्स हैं, यहाँ से करंट लीक नहीं होना चाहिए, अच्छे से इन्हें डाल देना है अंदर। पत्ता लगाने के बाद प्लेट को वापस से लगा देना है इसमें, अच्छे से टाइट कस लेना है, वायर को ऊपर बने होल से निकाल लेना है, और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्लेट और ये ढक्कन के होल को एडजस्ट कर लेना है ताकि इसमें आराम से बोल्ट जा सके। ये देखिए इस टाइप से फिर 5 नंबर की एलंकी वाले बोल्ट्स कसने हैं, एक हाथ से दबा के रखना पड़ेगा तभी बोल्ट लगेंगे। बोल्ट कसा गए हैं पूरे, अब लगाते हैं इसे वापस से प्लग में। ये देखिए वापस चालू हो गया है, करंट चेक कर लें बॉडी में करंट तो नहीं है। देखिए टेम्परेचर 110 पे सेट है और इंडिकेटर चालू है, आप देखेंगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा जब 110 पहुँचेगा। ये देखिए इंडिकेटर बंद हो गया, ये जो R लिखा हुआ है ये बंद हो जाता है जब आप उस टेम्परेचर पर पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स मशीन रेडी है, अब इसका लगा देते हैं कैप और इसे पैक करके कस्टमर को भिजवाते हैं। फ्रेंड्स सीलिंग मशीन कस्टमर के यहाँ जाने को रेडी है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।